जोशीमठ में आई आपदा से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। हल्द्वानी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंडी परिषद से आपदा राहत सामग्री के 2 ट्रक हरी झंडी दिखाकर रवाना किए, जिसमें ड्राई राशन, कंबल, गर्म कपड़े, टोपी और शॉल जैसी आवश्यक चीजें शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सभी को आगे आने की जरूरत है, जिससे कि जोशीमठ आपदा पीड़ितों को राहत मिल सके। अजय भट्ट ने कहा कि जोशीमठ में एक बार फिर पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वैज्ञानिक भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री भी जोशीमठ आपदा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। यहाँ के हमारे व्यापार संघ और हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ बात होने के बाद ये तय किया गया कि कुछ चीज़ें जो फौरी इंतजाम के लिए आवश्यक हैं, जैसे कंबल है, गर्म टोपियां हैं और गर्म शॉल हैं और खाने के पैकेट हैं जो ड्राई फूड पैकेट हैं, तो वो बना के अभी फ़िलहाल 2 ट्रक आज शुरुआत करी है। बहुत लोग और देना चाहते हैं, लेकिन जब तक वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए स्थान सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उसको मैं समझता हूँ कि एकदम से कहीं रास्ते में पड़ा रहे, कहीं उसका उपयोग न हो, ये भी ठीक नहीं रहेगा। जैसे जैसे कहेंगे, देश से भी बहुत ज़्यादा टेलीफोन आ रहे हैं और कई लोग विदेश से भी एक आध टेलीफोन हमारे पास आए हैं कि उस कुछ सहयोग करना चाहते हैं। वो हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, वहीं के उन्हीं की परमिशन से और चंदे भी ले सकते हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा है, लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं है।